दोस्तों नमस्कार। आप सभी का लंबा इंतजार खत्म हुआ। एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2021 का आपका फिजिकल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो यह आप देख सकते हैं, अभी अभी कुछ देर पहले ही आपका एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। आपके हर स्टेट के कट ऑफ मार्क्स भी आ गए हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फटाफट से पूरी रिजल्ट की जानकारी देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस है आपके रिजल्ट का। सबसे पहले दोस्तों कट ऑफ देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कितने विद्यार्थी टोटल पास किए गए हैं। तो ये आप रिजल्ट का नोटिस देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जनरल के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी एससी एसटी ईएसएम के लिए 20% रखे गए हैं। अब बात करें इसमें आपके टोटल कैंडिडेट्स कितने पास किए गए, तो ये आप देख सकते हैं पहले फीमेल कैंडिडेट्स का बताया गया है। इसमें टोटल 30,967 विद्यार्थियों को पास किया गया है, यानी इतनी फीमेल्स का यहाँ पे आगे फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद में यहां पर बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो देखिए 2,50,274 ये संख्या बताई गई है टोटल। इसमें 16,000 ईडब्ल्यूएस के, एससी के 39,818, एसटी के 25,000, ओबीसी के 57,000, जनरल के 1,08,000 और ईएसएम के 2,700। ऐसे टोटल 2,50,000 मेल कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए पास किए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि 7,000 एससी के, 5,200 एसटी के और 55,000 ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं वो जनरल में काउंट हो गए हैं, यानी वो जनरल कैटेगरी से पास हुए हैं, उनकी एज वो जनरल में ही आ रही थी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखेंगे आपके कट ऑफ मार्क्स। तो सबसे पहले देखिए फीमेल एसएसएफ के लिए बताया गया है, तो एसएसएफ जो आपकी पोस्ट थी उसके लिए कट ऑफ यहां पे देख लीजिए जनरल की गई है 72.34। दोस्तों कट ऑफ बहुत ही कम रही है, इसका कारण दोस्तों पेपर का लेवल भी था। ठीक है, ये देखिए जनरल की यहां पे 74 है, ओबीसी की 70 है, एसएसएफ में एसटी की 61 है, एससी की 64 है और ईडब्ल्यूएस की 67.76। ये आप देख सकते हैं ये एसएसएफ की है, और जो अदर पोस्ट है उनकी कट ऑफ अलग से है और वो इससे काफी कम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो मेल में एसएसएफ की कट ऑफ आप देख लीजिए, ये ऑल इंडिया की है। ठीक है दोस्तों, एसएसएफ की जो कट ऑफ है वो पूरे देश की एक साथ रहती है। तो इसमें जनरल की कट ऑफ है वो गई है 79.61, यानी दोस्तों मैक्सिमम कट ऑफ है आपकी किसी भी पोस्ट के लिए वो है 79.61। इसके बाद में एसएसएफ में ओबीसी की है 78, इसके अलावा ईएसएम की है आपकी 39, एसटी की 71, एससी की 72 और ईडब्ल्यूएस की 76। ये आपकी दोस्तों वैकेंसी है। ठीक है, ये आपकी एसएसएफ की वैकेंसी की कट ऑफ हो गई। अब दोस्तों आपकी जो अदर पोस्टेज हैं उनके लिए आपके कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं, ये लिस्ट देख लीजिए, पूरी लिस्ट है, हर एक राज्य के कट ऑफ से बताई गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक खास इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हर राज्य के कट ऑफ देखते हैं, उससे पहले आप सभी के लिए खास इंफॉर्मेशन है। दोस्तों अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी अकेडमी के ऊपर करना चाहते हैं तो जल्दी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, एसजेएल 2021 कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अनअकेडमी के ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 26 मार्च 2022 को, तो इसमें भी आप जरूर से पार्टिसिपेट करें। टाइम आप देख सकते हैं बैंक एग्जाम के लिए 10 बजे, एसएससी एग्जाम के लिए 2 बजे और रेलवे एग्जाम के लिए 5 बजे आपका टेस्ट होगा, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बताई गई है। मैं दोस्तों आपको एक एक राज्य कट ऑफ बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ है और इसमें आपकी आंध्र प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ऐसे करके अलग अलग राज्यों की बताई गई है और अलग अलग कैटेगरी की। तो दोस्तों अब आप यहां पे देख लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश है तो इसमें सबसे पहले एरिया, तो एरिया में जी से है जनरल और एन से है नक्सल प्रभावित। तो ईडब्ल्यूएस की जो आंध्र प्रदेश में कट ऑफ है वो नक्सल प्रभावित के लिए 57 है और ईडब्ल्यूएस में जनरल एरिया की कट ऑफ है वो, सॉरी दोस्तों, कट ऑफ आपकी 25 है और इसमें यहां पे आपकी 25.14 है। ठीक है, और एक कैंडिडेट्स बताए गए हैं कितने कैंडिडेट्स हैं, तो 57 कैंडिडेट्स हैं और 83 कैंडिडेट आपके पास हुए हैं। अब दोस्तों जो बड़े स्टेट्स हैं सीधा उनकी कट ऑफ यहां पे हम देख लेते हैं। ठीक है, बिहार की कट ऑफ सबसे पहले देखते हैं। बिहार में दोस्तों आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट से ईडब्ल्यूएस की रही है 51.54।
ठीक है। इसके अलावा आपकी एससी कैटेगरी की बात करें जनरल डिस्ट्रिक्ट की, तो ये कट ऑफ है 40.56, बहुत ही कम कट ऑफ है। इसके बाद में दोस्तों आपकी एसटी की देखें तो जनरल डिस्ट्रिक्ट से एसटी कट ऑफ बिहार में फीमेल कैटेगरी की है 61.38। इसके बाद में ओबीसी की, तो ओबीसी की जनरल डिस्ट्रिक्ट से है 55.53 और जनरल की बिहार में कट ऑफ रही है फीमेल कैटेगरी के लिए 56.81। ये आपकी कट ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में और जो स्टेट है उनकी देख लेते हैं। जैसे दिल्ली का देखिए, दिल्ली में दोस्तों जनरल डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है सीधा, तो इसमें ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ है 54, एससी कट ऑफ आपकी रही है 62.94, एसटी की 49.82, ओबीसी की 62.31, जनरल की कट ऑफ आपकी रही है 63, ठीक है दोस्तों। ये कट ऑफ हो गया आपकी दिल्ली की, ये फीमेल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, मेल की कट ऑफ भी सीधा हम देख लेंगे, ठीक है। अब बड़ा स्टेट आपका हरियाणा, हरियाणा की कट ऑफ दोस्तों काफी ज्यादा जाती है आमतौर पर, तो देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की रही है 62.20, एससी की रही है 54, ओबीसी की रही है 62.96 और जनरल की है 65.08, ठीक है। ये कट ऑफ है हरियाणा की फीमेल कैटेगरी के लिए। इसके बाद में दोस्तों और जो राज्य हैं उनका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे केरल, मध्य प्रदेश, हर राज्य कट ऑफ आप देख सकते हैं लिस्ट में। लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। बड़ा राज्य एक आपका राजस्थान है, इसी कट ऑफ भी काफी ज्यादा जाती है, तो राजस्थान कट ऑफ देख लीजिए। इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और एक है जनरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की गई है 54.17 फीमेल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा यहां पर एससी में जनरल डिस्ट्रिक्ट की है 52, एसटी में जनरल डिस्ट्रिक्ट की आपकी है 57, इसके अलावा ओबीसी में जनरल डिस्ट्रिक्ट की है 62 और फिर यहां पे जनरल कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट फीमेल में आपकी कट ऑफ है 62.53। यानी ओबीसी और जनरल में फर्क रहा ही नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है थोड़े से पॉइंट का, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे कट ऑफ हम देखेंगे आपकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश में। ईडब्ल्यूएस में जनरल डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ फीमेल की है 59.62, ठीक है। और यहां पे उत्तर प्रदेश में सीधा जनरल की कैटेगरी की देखें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 64 रही है। अब दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बताई गई है अलग अलग पोस्ट वाइज यहां पे है। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले देखें कौन से राज्य की, बड़ा राज्य है सबसे पहला बिहार। तो बिहार में दोस्तों आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 41 और जनरल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 56, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बिहार में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी की कट ऑफ है वो आपकी 48.57 रही है, ठीक है। एसटी की बात करें तो ये आपकी दोस्तों यहां पे 60.20 देखिए बताई गई है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की है। और जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करें एसटी की तो 62 आपकी कट ऑफ रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बिहार में अगर ओबीसी कट ऑफ देखें तो ये देख लीजिए जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी, ये कट ऑफ आपकी 61.45 है और जनरल कैटेगरी की देखें तो ये कट ऑफ आपकी 61.54 है। यानी दोस्तों जनरल और ओबीसी में फर्क है वो सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स का है, ज्यादा फर्क है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों दिल्ली कट ऑफ देखी जाए तो दिल्ली में दोस्तों जनरल की कट ऑफ है वो 61.02 रही है, ठीक है। और इसके अलावा ओबीसी की है 57.42, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में और जो बड़ा स्टेट जैसे हरियाणा हो गया, तो हरियाणा की कट ऑफ आप देखिए, हरियाणा में जनरल की कट ऑफ है 63.55, ओबीसी की है 62.85, एससी की है 57, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की है 61। तो दोस्तों इसके बाद में और जो आपके स्टेट है उन्हीं कट ऑफ देख लेते हैं। यहां पे दोस्तों अब आप देख लीजिए आपके अदर स्टेट की कट ऑफ, जैसे यहां पे कौन राजस्थान की देखें तो दोस्तों राजस्थान में आप देखिए जनरल कैटेगरी की बात करें जनरल डिस्ट्रिक्ट से तो कट ऑफ है 67.59, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट से है राजस्थान में 67, ये मेल कैटेगरी की है। इसके अलावा एसटी की कट ऑफ राजस्थान में है 65 और एससी की कट ऑफ राजस्थान में है 60, ठीक है। इसके अलावा और जो आपके स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ भी दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है जनरल डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है उत्तर प्रदेश में, तीनों ही है, इसलिए कट ऑफ की सारणी थोड़ी लंबी है। लेकिन दोस्तों सीधा हम यहां पर उत्तर प्रदेश में अगर जनरल कैटेगरी कट ऑफ देखें तो ये आप देख लीजिए जनरल डिस्ट्रिक्ट जनरल कैटेगरी उत्तर प्रदेश कट ऑफ है 66.11, बहुत ही कम कट ऑफ दोस्तों आपकी रही है। इसके अलावा ओबीसी जनरल जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 65.74 रही है, यानी ओबीसी कट ऑफ जनरल से एक नंबर कम है यूपी में, एक भी नहीं अगर देखें फिक्स तो आधा नंबर ही है।
ठीक है। इसके अलावा एस टी कट ऑफ आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट से 53 है और इसके अलावा एस सी कट ऑफ है वो आपकी 58 है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको एक एक करके बड़े जो स्टेट्स हैं उन्हीं कट ऑफ बताने की कोशिश की है। बाकी आप और पूरी आपने राज्य कट ऑफ देखना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस प्रकार से आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जो एरिया दिया गया है इसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट की देखनी है, एन से आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बी से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपकी कैटेगरी है और फिर अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं यानी कितने कैंडिडेट्स पास किए गए, फिर आपकी कट ऑफ मार्क्स बताए गए हैं और फिर कट ऑफ मार्क्स में भी डेट ऑफ बर्थ है यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे ज्यादा हुई ठीक है तो यहां पे कट ऑफ में भी डेट ऑफ बर्थ में भी कट ऑफ रही है। अगर मान लो एक ही नंबर के ऊपर कई विद्यार्थी हैं तो फिर डेट ऑफ बर्थ से कट ऑफ निकाली जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने स्टेट कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई हो और अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आपको अगले साल के स्टार्टिंग में ही आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और एसएससी की तरफ से डेट भी कंफर्म कर दी गई है। आगे भी दोस्तों इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा तुरंत आपके लिए वीडियो आ जाएगा। अगर आपके में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 26 मार्च 2022 को, इसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बैंक एग्जाम के लिए 10 बजे, एसएससी एग्जाम के लिए 2 बजे और रेलवे एग्जाम के लिए 5 बजे आपका टेस्ट यहां पे होने जा रहा है। थैंक यू।